हाय गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारे पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैं, इन पेयर्स ऑफ इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो किसी एक इक्वेशन पे डील करता है, ठीक है। जैसे मान लो हम इक्वेशन वन पे डील कर सकते हैं या तो इक्वेशन टू पे डील कर सकते हैं, एंड देन इक्वेशन वन पे डील करके हम किसी वेरिएबल की वैल्यू जो बची हुई इक्वेशन है उसमें पुट आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये पहला वाला इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 9। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे या तो हम x या तो y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो 2x है, इस 3y को अगर मैं इधर लेकर के जाऊं राइट हैंड साइड में, सो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y। अब यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, सो अगर 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो सेकेंड स्टेप क्या होगा कि वो 2 जो है इस पूरे के साथ डिवाइड में चला जाएगा। सो मैं यहां से 2 को यहां से यहां लिख देता हूं, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे। यहां से आपने x की वैल्यू निकाली, यानी आपने इक्वेशन नंबर 1 पे डील किया। आप इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के किसमें डाल रहे हो, बची हुई इक्वेशन में। जब आप यहां डाल रहे हो तो 3 यहां पे आपका 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 बचेगा। फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखो कि ये 2 और 3 कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं, हमें 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप जब 3 से 9 को करोगे तो 27 आएगा, जब आप 3 से 3 को करोगे तो 9y आएगा। इसके नीचे आपका 2 है तो मैं एज इट इज 2 लिख देता हूँ, प्लस में 3y है और इक्वल्स टू में 3। इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, इन द नेक्स्ट स्टेप आप देखो कि ये 2 इसके साथ डिवाइड में इसके साथ नहीं है, तो हम एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 एलसीएम आएगा, इस 3y के नीचे क्या है 1 है, तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आया 2, सो आपने 2 लिखा, कोई बात नहीं। ये आपका 27 माइनस 9y हो गया, ठीक है। और यहां पे जब आपने 2 एलसीएम लिया तो 3y के नीचे क्या है 1, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या आ जाएगा प्लस का 6y इज इक्वल्स टू में क्या 3। ये 2 इस पूरे के साथ मल्टी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 2 जा कितना 6, तो बेसिकली आपके पास आया 27, ठीक है। यहां आपके पास 6 बन गया, अब माइनस 9y यहां प्लस 6y, तो कितना बचा प्लस का 3y, तो 3y इज इक्वल्स टू हो गया 6 माइनस 27, यहां माइनस में आएगा बिकॉज माइनस 9y इज ग्रेटर, सो 6 माइनस 27, सो माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 21, माइनस माइनस यहां से हट चुका है, तो यहां से आप ध्यान से देखो तो 37 या 21 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ गई 7। जब आप इस y की वैल्यू अगेन इस इक्वेशन में डालें तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी, सो x क्या हो जाएगा 9 माइनस 37 या 21 अपॉन में 2, सो यस एग्जैक्टली 9 माइनस 21, तो अगर 21 में से अगर हम 9 माइनस करें तो ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, और अपॉन में आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा साइन माइनस का बिकॉज माइनस 21 इज ग्रेटर देन 2 से हमने कैंसिल आउट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6। सो आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक y इज इक्वल्स टू 7 एंड एक y इज इक्वल्स टू 6। आई होप आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया हो। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 से डील किया था, आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 से भी डील आउट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इक्वेशंस के साथ।